दोस्तों आप लोग बेवकूफ़ की तरह यूट्यूब पर काम कर रहा है, इसलिए आपके चैनल जो है ग्रो नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि सबसे बड़ी जो सवाल है आपके अंदर जो सवाल है, सवाल के जवाब सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों आपको लगता है कि आपकी तरह मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, ये बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मेरा और 3 चैनल है और ये नया चैनल मैंने ओपन किया है। तो इस पर दोस्तों काफ़ी मैं मतलब गैप करता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है। और बाकी जो 3 चैनल है, 3 चैनल मेरा ऑलरेडी चल रहा है। तो दोस्तों तीनों में से एक चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे पास यूट्यूब की कितना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो मैंने इसलिए लेकर आया है आप लोगों के लिए खास करके, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर सबसे फर्स्ट कदम जो होता है ये होता है कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करना है। तो वीडियो अपलोड कैसे करना है इसके जो जवाब होता है, जवाब देने से पहले आपको मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर हारना नहीं, यूट्यूब पर जीतना है। लेकिन YouTube पर जीतने के लिए आपको क्या करना है कि YouTube पर वीडियो इसी तरह अपलोड करना है कि वीडियो अपलोड करने के बाद ना ही तो वायरल होना है या कम से कम व्यूज़ आना चाहिए, इतना तो आपको काम करना है। तो ये चीज़ आपको कैसे काम करना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है, उससे पहले दोस्तों मैं और एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको मैं सवाल करना है, उसके बाद खुद की मैं जवाब आपको देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल पर जाके पढ़ाई करते हो तो जो टीचर्स होता है, टीचर्स ने सारा कुछ आपको नहीं सिखाएंगे, कभी भी आपको नहीं सिखाएंगे। अगर टीचर्स के अंदर जितना मतलब एजुकेशन है, सारा कुछ अगर आपको सिखाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि आप टीचर्स को टीचर्स नहीं मानते हो। इसलिए यूट्यूब पर जितने बड़े क्रिएटर्स है, बड़े क्रिएटर्स ने क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको गलत रास्ता बताते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बात होता है, जो सच बात होता है, ये आपको कभी भी नहीं बताते हैं। अगर डायरेक्टली जो सच बात होता है ये आपको बता देते हैं तो आप दूसरे दिन इनका वीडियो नहीं देखते हो। इसलिए जो मेन प्रोसेस होता है, मेन प्रोसेस एक न्यू क्रिएटर्स को बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मोबाइल से आप कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और मोबाइल से वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों 100 में से 99% आपको मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं होता है तो कम से कम दोस्तों आपकी वीडियो पर व्यूज़ तो आएंगे, व्यूज़ आना बंद बिल्कुल नहीं होगा। तो व्यूज़ आने के लिए दोस्तों साथ में और एक काम आपको करना है, जिस तरह मैं गारंटी देता हूँ इसी तरह दोस्तों आपको थोड़ा मुश्किल से काम करना होगा। जैसे कि दोस्तों अभी रात कितना हो रहा है मैं आपको टाइम बता देता हूँ, शाम 6 बजे हो रहा है, तो लगभग पूरा रात हो चुका है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पसीना निकल रहा है, क्योंकि दोस्तों YouTube पर पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना होता है, उसके बाद दोस्तों आप YouTube से पैसा कमा सकते हैं और लोग आपको कहेंगे कि आप एक यूट्यूबर हैं। लेकिन उससे पहले आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होता है, उसके बाद दोस्तों आप एक यूट्यूबर बनना है। मुझे पता है कि कैसे यूट्यूबर बनना है और यूट्यूब से कैसे पैसा कमाया जाता है। भाई लगभग मैं 1 साल से 1.5 साल मैंने मेहनत किया है, और दिन में वीडियो अपलोड करता हूं और रात जब सोता हूं तो उसके बाद नींद नहीं आता है कि मेरा वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जहां पर रहता हूं यहां पर ऐसा कोई यूट्यूबर्स नहीं है, और उस टाइम यूट्यूब की जो ट्यूटोरियल है यूट्यूब पर काफ़ी कम मिलता है। आजकल तो एक एक पॉइंट के ऊपर वीडियो देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो अपलोड करना सबसे बड़ी बात होता है, और वीडियो के साथ भाई एक थंबनेल HD क्वालिटी होना चाहिए, और आज की डेट में थंबनेल पर थोड़ा बहुत क्लिकबेट होना चाहिए, और जो वीडियो आप अपलोड करेंगे वीडियो के अंदर दम होना चाहिए। भाई यह आपको मैं सबसे पहले कहता हूँ कि वीडियो के अंदर दम होना चाहिए, और वीडियो जो क्वालिटी है क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इतना क्वालिटी नहीं होता है, मुझे भी पता है, फिर भी मैं कहता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वीडियो आखिर कैसे अपलोड करना है, मैं एक बात आपको बता दिया है कि टीचर ने सारा कुछ आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर सारा कुछ सिखाएंगे तो आप टीचर्स नहीं मानते हो। तो मेरा अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी आप छुपा के नहीं रखता हूँ, जो भी मेरा अंदर है आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल फ्री में शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। तो चलिए वीडियो कैसे अपलोड करना है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ।
तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये मोबाइल जो है मैं ओपन करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं, चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करता हूँ। मैं जो भी करने वाला हूँ बिल्कुल लाइव करने वाला हूँ। आप वीडियो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कोई वीडियो पूरा देखना है। अगर आप एक यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, आपकी वीडियो पर व्यूज़ लेकर आना है, तो ये वीडियो को भाई देखना है। अगर अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यूट्यूब ऐप ओपन करना है। यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। प्लस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अपलोड ए वीडियो, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम है तो मैं अलाउ करता हूँ, ये बिल्कुल नया मोबाइल है। तो उसके बाद यहाँ पर वीडियो जो भी है, यहाँ पर वीडियो आ चुका है तो एक वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले मेरा मोबाइल की नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोग, काफ़ी लोग गलती करते हैं। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस तरह, तो मैंने बहुत ऐसे वीडियो देख चुका हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको लगता है कि मैं, आप देख चुके हैं, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। मैं पूरा अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वीडियो अपलोड करने से आपकी वीडियो वायरल होने का चांस रहता है। सबसे पहले तो काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि टाइटल नहीं डालते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो अपलोड करते समय अगर आप टाइटल नहीं डालते हो, तो देखिए आजकल वीडियो अपलोड करते समय वीडियो प्रोसेसिंग होता है, तो उस प्रोसेसिंग में क्या होता है कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को पता चलता है कि आप किस टाइप की वीडियो अपलोड कर रहे हो, यह सबसे पहले पता चलता है यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर टाइटल डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण तौर पर मैं लिखता हूँ हाउ टू ग्रो या हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, हाउ टू हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने टाइटल लिखा है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक एक टैग होता है, जैसे कि आप दो टैग की तरह आप टाइटल लिख सकते हो। अगर दोस्तों आप दो टैग देना है तो यहाँ पर दोस्तों एक फ्लैश दे देना है, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा, ये दो आप लिख सकते हो। और दोनों लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इन दोनों को कॉपी करना है। तो सिंपली यहाँ पर कॉपी कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल और इसके बाद कॉपी। और कॉपी करने के बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर आके क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको आना है बैक। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि पब्लिक पर क्लिक करना है। पब्लिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पब्लिक रहने देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब तक वीडियो अपलोड कंप्लीट नहीं हो पाया है, तब तक दोस्तों आपको अनलिस्टेड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखते शेड्यूल, तो शेड्यूल पर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नो इट इज़ नो मेड फॉर किड्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स ये आपको चूज़ करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप येस इट इज़ मेड फॉर किड्स अगर आप चूज़ करोगे, तो ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए होता है, यानी कि यूट्यूब बच्चों के सामने रिकमेंडेशन करता है। तो इसलिए दोस्तों अगर बच्चों की वीडियो है तो यहाँ पर येस करना है, और अगर बच्चों की नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स ये आपको चूज़ करना है। सेकंड जो है दोस्तों एज, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है, नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ईयर्स, यह आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड प्लेलिस्ट, तो जो भी प्लेलिस्ट है दोस्तों आपको चूज़ करना है। यहाँ पर क्लिक करके मेरा एक ही प्लेलिस्ट है तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। और चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर दोस्तों देखिए टाइटल मैंने लिख दिया है और जो भी है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया है। जिस तरह मैंने किया है उसी तरह आपको काम करना है। आगे बहुत प्रोसेस बाकी है, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होना है। दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखना है।
इसके बाद दोस्तों आना है बैक। तो यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा कुछ जो भी आपने सेव किया है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपलोड ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अपलोड ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपलोड पर आपने डाल दिया है, वीडियो अपलोड होते जा रहा है। तो दोस्तों आपको टैग कैसे लगाना है और डिस्क्रिप्शन पर क्या क्या लिखना है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। और आपकी जो वीडियो है, वीडियो की SEO जो है कितना परसेंट आपने कंप्लीट किया है, 100 में से 99% आपको कंप्लीट करना है। तो अब दोस्तों वीडियो अपलोड करने के बाद साथ ही साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो वीडियो है वायरल हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है VidIQ। VidIQ YouTube सर्टिफाइड है और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हर एक क्रिएटर यूज़ करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको VidIQ यहाँ पर मैंने रखा है। VidIQ यहाँ पर आप देख सकते हैं, VidIQ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूँगा, आप जाके डाउनलोड करना है। और उसके बाद दोस्तों जो ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल ओपन किया है उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों शो होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर डेली 3 आइडिया देता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने तो अपलोड पर कर दिया है। जो भी दोस्तों वीडियो आप अपलोड पर रखेंगे यहाँ पर शो करता है, तो सिंपली यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है आ चुका है। और एक चीज़ मैंने भूल गया है, इसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि थंबनेल मैंने सेट करना भूल गया है। तो मैं लास्ट में दिखा दूँगा कि थंबनेल आप कैसे सेट करना है, और थंबनेल सेट करना है उसके बाद वीडियो अपलोड पर छोड़ देना है। तो इसके बाद दोस्तों VidIQ एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पर दोस्तों जो भी वीडियो आप अपलोड पर रखेंगे यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर प्राइवेट टुडे देख सकते हैं, इस वीडियो के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि एडिट SEO स्कोर 0, यानी कि 100 में से 0% SEO है, और चेकलिस्ट। तो एक एक ऑप्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पता करना है कि आपके वीडियो पर कितना SEO आपने कंप्लीट कर पाया है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो ब्लैंक आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने जो थंबनेल है सेट करना मैंने भूल गया है। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों नीचे आप देखिए कि टैग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैग सेट करना है इस वीडियो में, जैसे कि यहाँ पर टाइटल शो कर रहा है हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको टैग लगाना है। तो टैग यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखे टैग, और नीचे दिखे क्यूआर, तो क्यूआर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। और जो जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो अपलोड करते हो उसी टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर क्यूआर आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब 2022। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को गौर से देखना है। इसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों देखिए, मतलब आपने जो टैग सर्च किया है इसी टैग की कितना रैंक कर रहा है, यानी कि कितना सर्चेबल है, लोग कितना सर्च कर रहा है ये टैग। यहाँ पर एक टैग यहाँ पर काफ़ी रैंक कर रहा है, जैसे कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 64% लोग सर्च कर रहा है, यानी कि 100 में से 64% लोग सर्च कर रहा है। तो ये जो टैग है आपके वीडियो पर ऐड करना है। यहाँ पर सिंपली लेफ्ट साइड पर सिलेक्ट बॉक्स दिया गया है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर टाइप करना है दूसरा एक टैग, जैसे कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स देखिए, आप ज़रा देखिए गौर से देखिए, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, कैसे बढ़ाए मैंने टाइप किया है। इसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, 66% लोग ऑडियंस सर्च कर रहा है यूट्यूब पर। अगर आपने आपके वीडियो पर ये टैग सिलेक्ट करते हो, यानी कि ऐड करते हो, तो आपकी वीडियो सर्च में जाने की बहुत ही चांसेस रहता है।
67% यहाँ पर एक टैग सर्च हो रहा है जैसे कि हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल, तो ये दोनों आपको सर्च करना है, सॉरी सेट करना है आपके वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक आइकन आप देख सकते हैं, एक बॉक्स है, बॉक्स पर टिक मार्क लगाना है और नीचे ऐड सिलेक्ट कीवर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद सेट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरह आपको टैग सेट करना है, जैसे कि मैं 3 टैग यहाँ पर आपको लगा के दिखाया है कि किस तरह टैग आपको सेट करना है। अब बात आती है कि डिस्क्रिप्शन पर आपको क्या लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन पर दोस्तों वही आपको लिखना है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फास्ट आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन पर जो टाइटल आप लिखेंगे वही तो आपको पेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन पर, और उसके बाद दोस्तों आपकी वीडियो के बारे में कुछ आप लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो टाइटल आप लिखेंगे वही पेस्ट करना है, उसके नीचे आपकी जो फेसबुक आईडी है, ट्विटर आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी है, ये लिंक आप दे सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टैग आपको सेट करना है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको टैग सेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, टैग सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है कि योर क्वेरीज, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ योर क्वेरीज। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पर पूरा टैग सेट करना है। तो टैग कैसे सेट करना है आइए आपको बताता हूँ। टैग सेट करने के लिए दोस्तों आपको और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है, जैसे कि नोट। हर एक मोबाइल फ़ोन में नोट एप्लीकेशन मिलता है, तो आप एक अलग से एक डाउनलोड कीजिए जो आपको सही लगता है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और मैं वीडियो अपलोड करने से पहले जो टैग मेरे वीडियो पर लगाना है वही टैग मैं पहले से रेडी करके रखता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं देखिए नोट जो है यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर नोट पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने काफ़ी टैग यहाँ पर सेट किया है, तो टैग यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है और टैग पर जो कोमा होता है ये आपको हटाना है, वरना आपकी वीडियो जो है स्ट्राइक आ सकता है या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है। तो यहाँ पर जो भी टैग आप सेट करेंगे सिंपली सिलेक्ट ऑल करेंगे, कॉपी करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल और इसके बाद कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जाना है सिम यूआर क्वेरी आप जहाँ पर लिखा है यहाँ पर जाना है, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह दोस्तों मैं एक मतलब लगभग 10 से 15 टैग यहाँ पर मैं सेट करके आप लोग को दिखाया। आप लोग और ज़्यादा यहाँ पर टैग सेट करना है। तो अब बात आती है कि दोस्तों मान लीजिए ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो वीडियो है वीडियो की एसईओ आपने कितना परसेंटेज किया है। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखिए पब्लिश चेंज टू योर वीडियो, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपने जो भी यहाँ पर सेट किया है ये आपके वीडियो पर सेट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एसईओ कोर जो है 100 में से 20% मैंने कंप्लीट कर पाया है। यानी कि दोस्तों मैं तो आपसे मतलब जो भी जेन्युइन है जेन्युइन चीज़ आपको दिखाया है और आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर मैं पूरी तरह से कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों लगभग मतलब 40 से 50 मिनट तक वीडियो हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको गौर से अच्छे से टैग यहाँ पर सर्च करना है और एक एक टैग आपको सेट करना है। तो यहाँ पर 100 में से एसईओ कोर्स जो है 20% दिख रहा है। लास्ट में एक चीज़ देखिए चेकलिस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है कि टाइटल आपने सही डाला है या नहीं। अगर सही होता है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन है, डिस्क्रिप्शन पर बिल्कुल सही है, टैग जो है लेंथ है और यहाँ पर जो भी रेड कलर है ये आपको ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी है यहाँ पर पूरा ग्रीन करना है और यहाँ पर जो एसईओ है जो एसईओ स्कोर है 20% और यहाँ पर एक्शनेबल आइटम जो है देखिए यहाँ पर 50 में से 20% मैंने कंप्लीट किया है। टैग काउंट जो है मतलब 5 ऐसी टैग होना चाहिए जैसे कि 5 में से पूरा 5 कंप्लीट होना चाहिए जो रैंक वाला टैग है। तो यहाँ पर 5 में से बिल्कुल 0 है, एक टैग यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। टैग वॉल्यूम जो है 5 में से 5 है, ये बिल्कुल सही हो चुका है। कीवर्ड इन टाइटल 5 में से 2% कंप्लीट कर पाया है। कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन 5 में से 3% मैंने कंप्लीट कर पाया है। सेम कीवर्ड यूज द टाइटल डिस्क्रिप्शन
5 में से 2% मैंने कंप्लीट कर पाया है और परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर 15 में से 0% मैंने कंप्लीट किया है। तो ये आपको 15 में से 40% आपको कंप्लीट करना है तो अब जाके आपकी जो वीडियो है आप वायरल कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह ट्रिक्स जो है कोई नहीं बताता है, मुझे लगता है यूट्यूब पर कोई यूट्यूबर्स आपको नहीं बताता है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों टैग फॉर हाई वॉल्यूम सार्स आइटम्स दिस वीडियो इज़ रैंकिंग फॉर 5 में से 0%, यानी कि 1% मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया है, यानी कि 5 में से आपको 5 टैग यहां पर होना चाहिए तो आपकी वीडियो जो है 100% रैंक करता है, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इसी तरह दोस्तों आपको कंप्लीट करना है। और दोस्तों एक जो थंबनेल है थंबनेल आप सेट कर लेना है। इसके लिए मैंने गलती कर लिया है क्योंकि मैं भूल गया था। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पसीना निकाल रहा है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्योंकि एक एक वीडियो अपलोड करने में एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद दोस्तों एक यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है। दोस्तों मैं लास्ट में वही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये पूरी तरह आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि जितना परसेंटेज यहाँ पर बताया जा रहा है परसेंटेज आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताना कि भाई आपने गलत रास्ता है, आप जूता से मुझे मारना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया है उसी तरह आपको काम करना है। उसके बाद आप खुद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आपकी चैनल जो है ग्रो करना शुरू किया है, आपके वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू किया है, आपकी वीडियो जो है 100 में से 90% आपकी वीडियो जो है वायरल होने की चांसेस रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो को आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सबको शेयर करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।